नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। अब से मात्र 3 दिनों बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाने वाला है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ये अहम मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इस मैच के लिए न्यूजीलैंड टीम ने अपने 15 सदस्य स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का चुनाव किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मांजरेकर की टीम में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को जगह नहीं मिली है। आपको बता दें, संजय मांजरेकर ने इंग्लैंड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम का ऐलान किया। वहां पर बादल छाए रह सकते हैं और इस चीज को उन्होंने खास ध्यान में रखा है। ESPN क्रिक इन्फो पर चर्चा के दौरान मांजरेकर ने कहा, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वहां पर एकदम इंग्लिश कंडीशंस होगा, धूप भी निकलेगी और बादलों की आवाजाही भी रहेगी। अगर 5 दिनों तक मैच चला तो फिर ऐसा ही मौसम रह सकता है, इसलिए मैं उसी हिसाब से अपनी टीम का चयन कर रहा हूं। बताते चले, रविंद्र जडेजा के अलावा स्टार तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को भी मांजरेकर ने अपनी टीम में जगह नहीं दी। चलिए आपको बताते हैं, संजय मांजरेकर ने जो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 चुनी है उनमें किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। संजय मांजरेकर ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल का चयन किया है। तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए चेतेश्वर पुजारा और चौथे नंबर पर कप्तान विराट कोहली को रखा है। पांचवें नंबर पर उन्होंने उप कप्तान अजिंक्य रहाणे का चुनाव किया। छठे नंबर पर संजय मांजरेकर ने हनुमा विहारी का चयन किया और कहा है कि इस पोजीशन पर ऐसे बल्लेबाज की जरूरत पड़ेगी जिसकी तकनीक बेहतर हो और विहारी इसके लिए परफेक्ट है। सातवें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को रखा गया। गेंदबाजी की अगर बात करें तो मांजरेकर ने अश्विन के रूप में एकमात्र स्पिनर को चुना है, उन्होंने जडेजा को शामिल नहीं किया। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को उन्होंने तेज गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।